सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल देवांश व्लॉग्स। आई होप आप सभी के सभी अच्छे होंगे। सो ठंड का मौसम तो बहुत चल रहा है, ठंड उनमें मतलब बाहर उनके रही है, इसमें यहाँ पे बहुत ठंड चल रही है। और व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे एग्ज़ाम आ गए थे, फिर उसके बाद मेरा वो स्टार्ट हो गया था। मतलब शादी उदी का माहौल था तो घर में थोड़ा शादी थी, तो अभी मैं आया हूँ यहाँ प्रीतम नगर में। हाँ, थोड़ा अभिषेक से मिलने आया था, तो अभिषेक अभी आ रहा है, अभी घर से आ रहा है, तो फिर उससे देखते हैं क्या होगा। टोपी ओपी लगाया हूँ भाई, ठंड बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अभी तो यहाँ पार्क है, एक ये पार्क है, यहाँ पे उससे घर के पास पार्क है। सो अभी वो आता है, फिर आपको बताते हैं क्या है। और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ थे? मैं करीब एक एक महीने और पहले ये भाई काफी करीब बाद मिल रहे हैं, करीब एक महीने बाद मुलाकात हो रही है ना। सब क्या टांग उंग के नेक यार। अरे बन के तुमसे मिलने आ रहे, कुछ खाने पीने के लिए आए। क्या है ये? ये रोल है, खाओगे? रोल है? हाँ रोल है, कबाब रोल। कबाब रोल से बोलेगा क्या? ओम से बोलेगा? अरे चलो। हाँ गाइस, आपको बताना तो भूल गए, ओम से बोले मतलब प्रीतम नगर एरिया में ओम से बोले बहुत बढ़िया दुकान है फास्ट फूड की, तो हम लोग तो उसी के यहाँ से खाते हैं। तुम तो हमेशा कितने साल से खा रहे हो भाई? जब से वो खुला है तब से खा रहे हैं, मतलब एसके कोचिंग थी ना। हाँ हाँ, वो ये यहीं पे थे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी के नाम से थी ना। हाँ, तो उसी तब से खा रहे हैं, तब से तुम खा रहे हो, मैं तो वहाँ पर। तुम भी मतलब जब से आए तब से खा ही रहे हो? हाँ, कोई नहीं खा रहे हैं। फिर चलिए खाते हैं, फिर इसका टेस्ट बताते हैं कैसा है। हाँ बिल्कुल, बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ अभिषेक को भी मेरे ब्लॉग में, बहुत दिनों बाद देख रहे होगे। हाँ भाई, ब्लॉग अभी तो आज 24 है। हाँ, और आपको ये बताना तो बोल रहे, आज 24 है, 24 दिसंबर, पूरा बोला करो लोग अभी। 24 दिसंबर है और कल है 25 दिसंबर, तो कल हम लोग जा रहे हैं क्रिसमस मनाने, तो आपको कल दिखाएंगे क्या होता है। ये ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कल? हाँ, इसी में कंटिन्यू कर देंगे, अब देखिए आगे क्या होता है। हाँ, तो फिर आपको कल का प्लान बताएंगे। कल हो सकता है हमारे कॉलेज के भी दोस्त मिले, शायद अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन बस शायद मिले। लेकिन अभी आज का ब्लॉग देख लीजिए कैसा लग रहा है। ब्लॉग में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, काफ़ी मज़ेदार होने वाला, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होगा, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर भी करेंगे। पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं भाई, बहुत दिनों बाद खाने को मिल रहा है, मतलब करीब हम 2-3 महीने पहले खाए थे इसे। मैं अप्रोक्स आदित्य का बर्थडे था तब तक। हाँ, आदित्य का बर्थडे था तभी खाए थे एकदम। आज एकदम तेलक उनक लगा के आए, कहाँ गए थे? भाई मैं रोज़ लगाता हूँ। रोज़ लगाते हो? कब से? कोई ऐसा इफेक्ट हुआ क्या तुम्हारे ऊपर? वो पूछ लो, ज़्यादा सीन हो जाएगा। सो ये है ओम शिव बोने का कबाब रोल। क्या प्राइस है इसकी? ओनली 20। क्या? ओनली 20। 20 रुपीज ओनली बोला करो। मैं 20 रुपीज ओनली खुश अब। चलिए तो उसे खा के बताते हैं कैसा है। अभिषेक तुम तो पहले करो भाई, तो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है भाई। सब्र हर चीज रखना चाहिए, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, वही तो। अच्छा हमको सिखा रहा है कैसा भाई? एक चीज़ कहूँगा, बढ़िया तो है एज यूजुअल, बहुत बढ़िया है। बट हाँ, अगर पैक करवा के खाओगे थोड़ा सा टेस्ट कम अच्छा लगेगा। कैसा? क्या पैकिंग करने में थोड़ा मुड़ जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर ठंडा हो जाता है, फिर वहाँ पे खाओगे थोड़ा बेस्ट है। बट हाँ, टेस्ट वाइज प्रीतम नगर में ओम से बोले के अलावा कहीं अच्छा नहीं मिलेगा। सो गाइस, आज तो लेट हो रहा है, नहीं तो फिर मैं अभी वहाँ का एक ब्लॉग कवर करता ना, जल्दी आएगा। हाँ, तो जल्दी आऊँगा फिर, नहीं तो आप जल्दी ही ब्लॉग आएगा। हाँ, से बोलेगा जल्दी आएगा, अभी मेरे को घर निकलना है, फिर लेट हो जाएगा, फिर अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। मैं मुझे प्रॉब्लम क्या है ना, जब सामने से राइड पड़ती है अंधेरे में, तो मैं बैग ज़्यादा अच्छे से चला नहीं पाता। सुना तुम चला देते हो, मैं नहीं चला पाता ना भाई, तो ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं ज़्यादा अंधेरे में बाहर नहीं करता हूँ। तो जब एक दिन फिर जल्दी आऊँगा, फिर ओम से बोलेगा एक दिन ब्लॉग कवर करेंगे। हाँ, तुम भी उस दिन रहना। अब वैसे बढ़िया, कैसा लगता है ये रोल? बढ़िया बढ़िया ना, कितने बार खाए हो? आ चुका हूँ, दक्षिण किनारे कभी खाए। चलो बढ़िया है, आज भी दक्षिण किनारे। खैर बढ़िया है, रेटिंग सही है। बढ़िया ना? बढ़िया। चलो बढ़िया। अबे यार क्या हो गया? अबे ऑन किए हो? अरे अरे अरे, तुम ब्लॉगर हो, तुम्हें सब चीज़ बतानी चाहिए। अब तो बंद कर, अब क्यों छुप रहे हो? अब तो बंद कर, अपनी जनता से साफ सच कहो, तुम्हारी जनता ये। अब बंद कर दे। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अभिषेक के घर पे, और अभिषेक जा रहे हैं इधर का, इधर आ गए। सो अभिषेक अब जा रहे हैं, कल का क्या सीन है? कल का सीन आज 24 है, 25 है ना, तो 20 तेज बोल रहे भाई ऐसा, दूसरा गाड़ी चल रहा है मेरे पास, डर ही ज्यादा ही। तो भाई कल 25 है, अब इसका प्लान जो है मुझे बता देगा। 25 यही है कि हम लोग कल जा रहे हैं। अरे यार, मेरे को टोपी थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है, निकाल दो। नहीं, मैं बाल दबे हुए हैं ना, अरे बार बार हाथ में टोपी पे जा रहा है ना, इसलिए थोड़ी अनकंफर्टेबल लग रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? आज है 25 दिसंबर, क्रिसमस। सबसे पहले तो आप सबको मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सो आ चुके हम सब, अभिषेक भी है मेरे साथ। सो अभी यहाँ पे देखिए, गाड़ी हमने पार्क कर दी है, ये हमारी गाड़ी पार्क हो गई है। और यहाँ पे पहले देखिए, गाड़ी ओड़ी के बहुत दिक्कत है, देखिए पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ पे गाड़ी की।
हमेशा लगी रहती है। हाँ पे हमेशा लगी रहती है। हमने ये अभिषेक की उधर खड़ी है, वो जो सबसे आगे रेड वाली खड़ी है ना, आई स्मार्ट ये, और यहाँ पे ये मेरी खड़ी हुई है। सो अच्छी जगह नहीं खड़ी हो गई भाई, एक्चुअली क्या है जगह हम लोग को जगह नहीं मिल रही थी ना बराबर, मतलब हम सोचे कि एक ही जगह खड़ी कर देंगे तो वही मिल नहीं पा रही थी। तो अब क्या है कि गाड़ी खड़ी कर दी है, पहले यहाँ पे सिक्योरिटी हमने देखी, चेन हमने उसमें लगा दी है पूरी गाड़ी में, हेलमेट भी रख दिए हैं, हेलमेट जरूरी, लेकिन यहाँ पे बस वो है कि पर्ची उर्ची नहीं कर रहे ना वो लोग। यहाँ पर्ची क्यों, पर्ची काट के दी है तुम 10 रुपये की पर्ची है ना, कहाँ हमें मेरी गाड़ी पर्ची है ना काटे इसका मतलब, अभी निकले काट लेगा तुम्हारा वो। सो गाइस अभी अंदर चलते हैं फिर आपको बताते हैं क्या क्या सीन है, क्या क्या हो रहा है। आज सेंट जोसेफ जा रहे हैं हम लोग, और कहाँ जा रहे हैं, सेंट जोसेफ और पत्थर गिरजा का जो मेन चर्च है सिविल लाइन्स का, हाँ सुभाष चौराहे के पास में, हाँ तो वहाँ जा रहे हैं, फिर वहाँ पे आपको बताते हैं क्या सीन है आगे का। तब अभी हम लोग आ चुके हैं सेंट जोसेफ गेट के अंदर, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है, और यहाँ पे मैं तीन दोस्त मिले हैं कॉलेज के, अनकुमश शिवांश अंदमश। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे, मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और तुम तो यहीं के एक्स स्टूडेंट हो, और तुम्हें कैसा, बाकी लोग नहीं आए क्या, अभी आप पीछे हैं, अच्छा पीछे हैं। सो गाइस ऐसा कुछ है यहाँ पे, देखिए ऊँट की लाइन लग रही है, और यहाँ पे ये सब पूरा सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ पे झूले भी हैं बहुत बड़े आपको। और ये रहे मेरे दोस्त अनुभव मुकुंद। सो कैसा लग रहा है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन, इतने समय बाद लग रहा है यहाँ पे, 3 साल हो गए। हाँ एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग ने सोचा भाई अभी अनएक्सपेक्टेड है ये ना, और उसके बाद हम लोग सोचते थे कि बाद में आएंगे रात में आएंगे, लेकिन यहाँ तो अच्छा खासा भीड़ है। अरे वो वाला झूला पता है जो चल रहा है वो झूला, अरे पूरा 360 डिग्री अभी घूम रहा है, ये देखो पूरा घूम गया है भाई, इसके ऊपर हमने बैठा था। हाँ उसके बाद जितना मोबाइल मोबाइल ऊपर रखा था ना गिर गया पूरा मोबाइल, पैसा जेब में पॉकेट में रखा था, जैसे ही वो ऊपर गया तो पूरा पैसा। अरे तो ये हमारे अनुभव भाई, सो कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के, मजा आ गया। मैं नैनी से यहाँ पे सिर्फ देखने आया था, नैनी से यहाँ पे आप मेरा देखने आए थे, कुछ और क्या भीड़ देख रहे थे, भीड़ का मजा ले रहे थे। तो क्या 3 साल से तो यहाँ पे लग नहीं रहा है, हाँ तो आप ये पोस्ट कोविड एरा में लोग जी रहे हैं, तो इस टाइम ये मेला इतने बड़े लेवल पे लगना बहुत बड़ी बात है, उस टाइम फिर से कोविड अपना इंडिया में पसार रहा है, इस टाइम ऐसा मेला ऑर्गेनाइज कराना रिस्की है, मगर पब्लिक के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव एंथुसिएज्म। कोविड की बात तो कर रहे हैं, मास्क है आपके पास, अभी आया कहाँ भाई, आ रहा है अभी। अरे तो गाइस यहाँ पे हमारे दोस्त, यहाँ पे हमारे कॉलेज की फ्रेंड भी नहीं है बिरन, और यहाँ पे तुमने खरीदारी बहुत की है, क्या क्या खरीदी हो, पर्स कपड़े, क्या प्राइसिंग क्या है यहाँ की, महंगा है ना, बहुत महंगा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किचन की शॉप है, ये बैग्स ना जाने तो क्या क्या, भाई तुम भी कुछ खरीद लो यार भाई, अपने हिसाब से कुछ नहीं अब। क्या भाई क्या, ये सब शूज लवर, ये सब तुमको शोभा नहीं देता है। Women. हमारा फ्यूचर, माय बॉय माय बॉय। भैया हवा से तो मैं अपना वो मार सकता हूँ, कुत्ते के लिए पट्टा लगा दिया हो क्या। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी गार्डन के सामने नाइट मार्केट में, और यहाँ पे शिवांश खा रहे हैं चाउमीन, पनीर चाउमीन, कैसी लग रही है, अच्छी है, अभी खाना शेक की स्मार्ट बैठी है, ये देखिए तुमने क्या खाया भाई, मैंने वो खाया था चिकन रोल, खाया चिकन रोल कैसा था, बढ़िया, क्या भाई क्या हो गया, अच्छा हाँ अनुभव भाई क्या सैंडविच ये तुम क्या खा रही हो, बिरयानी नेक्स्ट लेवल है, कहां की बिरयानी, इतना अंधेरा यार भाई, ये इन लोग डिस्को रिक्शा, मैं बिरयानी खा चुका हूं, ट्राई करो बहुत टेस्टी है, 10/10।
क्या चिकन बिरयानी थी तुम्हारी? कितने क्या रेटिंग है? 79 की है, टेस्ट इसका A1 है और ब्रदर बिरयानी का है। और भाई सैंडविच कैसी है? ओके ओके टाइप। और भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी क्या थी? चिकन बिरयानी? चिकन बिरयानी बहुत बढ़िया है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे भी है, अच्छी है। यहाँ पे दोनों जा रहे हैं मेरे दोस्त, जा रहे हो? अब कब मिलना होगा भाई? कल कॉलेज से मिलेंगे, ठीक है, बाय। जहाँ मुकुंद भी जा रहा है, बाय। चलो लाइक सब्सक्राइब, तुम भी भाई लाइक एंड सब्सक्राइब। कितनी देर से हो यहाँ पे? पूरे एक घंटे। क्या क्या मजा आया? पूरा मेला देखे। हाँ, मेले में मैजिक वाला देखे। हाँ, और फिर उसके यहाँ कुछ खाए पिए? हाँ, खाए पिए। ब्रेक से ही रोकती हो ना कि पैर से रोकती हो गाड़ी? हाँ, ब्रेक से ही रोका करो, ठीक है, बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को, ठीक है, उसमें तुम भी आई हो। तभी तो करूंगी। हाँ, चल बाय। सो गाइस, ये नाजरेथ हॉस्पिटल। आ चुके हैं चर्च पे, ऑन सेंट कैथेड्रल चर्च नाम है इसका। पत्थर गिरजा घर से भी पत्थर गिरजा घर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा चर्च है, इलाहाबाद में सबसे बड़ा चर्च है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसे हाँ श्रीनगर सबसे बड़ा चर्च है। और ऑन द बीच में चौराहा पूरा बना हुआ है, आप ही देख सकते हैं, पूरी भीड़ है, पेड़ पूरा पेड़ लगा हुआ है, पूरा पेड़ से ढका हुआ है। सो गाइस, हमने ये दो मोमबत्तियाँ ले ली, अंकल जी दे रहे थे 10 की 2, कितने 10 की 2 की थी ना भाई। आप ये देख सकते हैं, इतनी भीड़ है, मतलब बाहर गाड़ियां लगाने को पार्किंग दी गई है, तब भी कोई गाड़ी बाहर लगा नहीं रहा है, सब अंदर लेके आ जा रहे हैं, और ये भीड़ अंदर आप देख रहे होंगे। उड़ा इतनी ज़्यादा, क्या उड़ा? अच्छा, ऐसा पूरा खाने पीने का यहाँ लगाया गया है, ये बाउंड्री है। चलो, ये पहुँच गए हैं मेन गेट पे, और देख रहे हैं आप कितने क्राउड है, मतलब क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। गाइस, कुछ ऐसा था आज का हमारा व्लॉग। अभी हम आ चुके हैं अभिषेक के घर पे। ये अभिषेक? हाँ भाई, मैं अभिषेक। देखो, मैं रोशनी नगर दिख रहा हूँ, देख लो। बिजली बचा रहा है लाइट बंद करके। लाइट नहीं बंद कर रहा, तुम्हारे व्लॉग के लिए बंद किया है मैंने। हाँ, शैडो आ रही है, शैडो आ रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसा था आज का हमारा व्लॉग। एक्चुअली क्या हुआ, हम वहाँ पे गए, सबसे पहले सेंट जोसेफ कॉलेज गए, आपको वो दिख रहा है, फिर वहाँ का जो फेयर रोड हुआ, फिर वहाँ पे स्कूल के मेरे दोस्त आए हुए थे कॉलेज के, देन उसके बाद हम लोग गए सेंट पैट्रिक, नहीं सेंट कैथेड्रल, सेंट कैथेड्रल से हिंदी बोला कर भाई, पत्थर गिर जाकर सेंट कैथेड्रल सर चर्च गए 7 लाइन्स में। और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि अब आ रहे हो उसे? अब आ रहे हैं। वहाँ पे हमने एक्चुअली वहाँ पे इतनी भीड़ ज्यादा थी, तो हमने पूरी बात अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब पूरा आधा इलाहाबाद के बच्चे वहीं थे। हाँ, और देन उसके बाद सेंट पैट्रिक में गाड़ी खड़ी करने की जगह थे, पुलिस वाले बाहर से ही भगा दे, तो वहाँ पे और ज्यादा भीड़ हो गई थी। तो इसने वहाँ पे छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे डाल दी है, मतलब इसके पहले आई हुई, तो उसको आप देख लीजिए। और ऐसे था आज का हमारा ब्लॉग। ब्लॉग पर अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं आप किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।